भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा चित्तौड़गढ़ पहुंची। शहर में जनसभा के बाद यात्रा राजसमंद के लिए प्रस्थान कर गई। चित्तौड़गढ़ से रवानगी से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक होटल में प्रेस वार्ता रखी गई। सांसद दिया कुमारी ने गहलोत सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के विकास संबंधी योजनाओं के बारे में बताया। परिवर्तन यात्रा को व्यापक जन समर्थन मिलने की बात कहते हुए पार्टी की प्रदेश महामंत्री ने सरकार से पूछा कि आखिर अपने 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान कौन सा वादा पूरा किया, एक भी उपलब्धि हो तो बताएं गहलोत सरकार। कभी यह फ्री तो कभी वह फ्री करके जनता को बरगलाना चाहते हैं, जबकि आज भी राजस्थान सबसे महंगा प्रदेश है। बिजली हो या पेट्रोल डीजल प्रदेश में सबसे महंगा है, तो बेरोजगारी भी कम नहीं है। महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, यह बीजेपी नहीं बल्कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बता रही है। और जो परिवर्तन राजस्थान की जनता चाहती है, हम सबने देखा है परिवर्तन यात्रा जहाँ जहाँ गई है वहाँ से इतना ज्यादा। कल मैं चित्तौड़ में थी, मैंने देखा कि जनता में इतना उत्साह था, इतना जोश था, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह से राजस्थान की जनता को सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं। सिर्फ और सिर्फ जब वो सत्ता उन्होंने संभाली थी, सत्ता में आने से पहले भी बहुत सारे झूठे वादे किए। मैं उनको पूछना चाहूंगी, क्या उनमें से एक भी वादा आपने पूरा किया? नहीं किया। उनमें से आपने एक भी काम किया? नहीं किया। विकास के नाम पे अभी 5 साल में कोई काम नहीं किया। गहलोत सरकार सिर्फ और सिर्फ ये जो कभी ये फ्री में देते हैं, कभी वो फ्री में देते हैं, लेकिन फिर भी आज राजस्थान सबसे ज्यादा महंगा प्रदेश है। ऐसा क्यों है? महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित कहाँ है राजस्थान में? ये सारे आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये जो आंकड़े हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। ये बहुत सारे जो इकोनॉमिक सर्वेज होते हैं पूरे विश्व में, उनके आंकड़े हैं। सबसे ज़्यादा आज बिजली महंगी है तो राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल महंगा है तो वो भी राजस्थान में है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है तो वो भी राजस्थान में है। मुझे आप ये बताएं, मैं कांग्रेस को पूछना चाहूँगी कि अगर राजस्थान किसी भी चीज़ में, अच्छी चीज़ में कहीं भी अव्वल दर्जे में है क्या? अगर राजस्थान नंबर वन पे है तो सारी ऐसी चीज़ों में नंबर वन पे है, जिससे कि आज मुझे शर्म आती है कि मैं राजस्थान की एक नागरिक।